भारत का यह हथियार चला तो 60 सेकंड में तबाह हो जाएगा चीन। हर सेकंड में दुश्मन देश के 14 शहर हो जाएंगे राख में तब्दील। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भले ही भारत रूस से हथियार लेना कम कर चुका हो, लेकिन भारत यह बात अच्छे से जानता है कि नौसेना के लड़ाके तैयार करने में रूसी तकनीक का कोई जवाब नहीं। लिहाजा भारत रूसी तकनीक के साथ खुद के लिए ऐसे ऐसे योद्धा तैयार करवा रहा है जिनकी मौजूदगी ही दुश्मनों के कलेजे में तूफान ला सकती है। दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही हैं कि भारत के पास ब्रह्मोस नाम का एक ऐसा तूफान मौजूद है जो दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर दे। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक जा चुकी है। ये बिजली की रफ्तार की तरह दुश्मन पर मौत बनकर टूट पड़ता है। और अब सोने पर सुहागा यह है कि रूस अब भारत को इस मिसाइल के लिए एक ऐसा महाहथियार देने वाला है जो उसकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देगा, जिसका नाम है INS चक्र 3। जी हाँ, भारत का दोस्त रूस कुछ ही महीनों के बाद भारत को INS चक्र 3 परमाणु पनडुब्बी सौंपने वाला है, जिसके लिए भारत ने रूस के साथ साल 2019 में ही डील कर ली थी। रूस की यह अकुला क्लास की पनडुब्बी है जो काफी अत्याधुनिक है। कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक यह महाहथियार भारत को मिल जाएगा। इसके बाद चीन ने भारत के खिलाफ पानी के अंदर से कोई भी यंत्र करने का प्रयास किया तो भारत का यह लड़ाका उसे पानी के अंदर ही दफन कर देगा, क्योंकि इस दैत्याकार जलीय हथियार में ब्रह्मोस से दुश्मन पर फायर किया गया तो फिर ब्रह्मोस की रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा और उससे पहले ही वह बर्बाद हो जाएगा। अब ऐसा कैसे होगा, रेंज कैसे बढ़ेगी ब्रह्मोस की? तो आपको बता दें कि यह पनडुब्बी पानी के अंदर दौड़ती हुई दुश्मन की तरफ बढ़ चलेगी और दुश्मन देश की लोकेशन करीब आती जाएंगी और अचानक से ब्रह्मोस फायर होकर दुश्मन को तबाह कर देगी। इससे भारत चाहे तो ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर के बजाय इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है और ऐसा होगा भारत की इस कमाल की पनडुब्बी से। दोस्तों, ये पनडुब्बी भी INS चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा देगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वह रूस की अकुला सेकंड क्लास की K322 कक्षा लॉट है। इसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो काफी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। दोस्तों, यह तो हो गया वह हथियार जो जल्द ही भारत में एंट्री करने वाला है। बाकी भारत की ताकत में एक और बड़ी हवाई ताकत लगभग तैयार हो चुकी है, अपना जलवा दिखाने के लिए जो सिर्फ 60 सेकंड में चीन का अस्तित्व खत्म कर सकती है। चलिए जानते हैं इसी ताकत के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल का क्लोन बनकर हो गया रेडी, कुछ सेकंड में युद्ध का बदल ही जाएगा माहौल। दोस्तों, ब्रह्मोस और उसकी ताकत से दुश्मन देशों की रूह कांप जाती है। भारत अब उससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड और रेंज वाली ब्रह्मोस को विकसित भी कर रहा है। लेकिन अब जरा इसके क्लोन की बात सुन लीजिए। भारत के इस तूफान का नाम है सूर्या मिसाइल, जिसको लेकर भारत के द्वारा बेहद सीक्रेट तरीके से मिशन को अंजाम दिया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई। दोस्तों, इसे आप ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का क्लोन ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी ताकतवर रेंज का कोई मुकाबला नहीं। सूर्या मिसाइल के रूप में भारत के द्वारा ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया गया जिसका जवाब चीन के किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के पास मौजूद नहीं है। ये सिस्टम जब तक युद्ध के मैदान में तैनात रहेगा तब तक भारत के दुश्मन हार के सिवाय कुछ सोच नहीं पाएंगे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की 1947 से ही दुश्मनी चली आ रही है और चीन की चालबाजी शीत युद्ध जैसे हालात पैदा कर रही है। ऐसे में भारत अपनी मजबूती के लिए मिसाइलों से लेकर विमानों तक को खुद ही तैयार करने में जुटा हुआ है और जरूरत पड़ने पर मित्र देशों से मदद ली जा रही है। इसी समय भारत के द्वारा सूर्या मिसाइल के प्रोडक्शन को आगे बढ़ा दिया गया है। ये मिसाइल भारत की अग्नि 6 मिसाइल से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसका भौकाल चीन को परेशान किए हुए है। वो बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ का रुख कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DRDO के द्वारा सूर्या मिसाइल को तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइल DRDO का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत सूर्या मिसाइल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर भी चुका है, लेकिन दबाव की वजह से इसकी जानकारी को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया। ये भारत का ऐसा अचूक हथियार है जो दुश्मन के हर एक नापाक मंसूबे को पानी में मिलाने की ताकत रखता है।
60 सेकंड में किसी भी देश को कर सकती है राख। दोस्तों, यह एक मिसाइल एक मिनट में इतने हमले कर सकती है कि पूरा का पूरा देश ही तबाह हो जाए। इसे न तो किसी डिफेंस सिस्टम का डर है और न ही किसी लड़ाकू विमान का। इस दमदार योद्धा को सिर्फ युद्ध जीतने के लिए तैयार किया गया है। अगर बात करें सूर्या मिसाइल की ताकत की, तो यह भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि भारत इस मिसाइल के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो यह मिसाइल एक साथ दुश्मन के 14 टारगेट को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 15,000 से 18,000 किलोमीटर के बीच होगी, यानी कि इसकी रेंज में अमेरिका भी आएगा। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट पर 1995 में काम करना शुरू किया था। साल 2000 तक इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बाद इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। सूर्या मिसाइल भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। 2008 में डीआरडीओ ने घोषणा की थी कि आईजीएमडीपी के तहत बनाई जाने वाली सभी मिसाइलों को बनाकर तैयार कर लिया गया है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सूर्या मिसाइल को लेकर साल 2008 से 2010 के बीच ही इसकी तैयारी कर चुका है, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। चीन के द्वारा किए गए दावे की माने तो भारत के पास दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मौजूद है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करती है। चीन कई बार यह कह चुका है कि भारत सीक्रेट तरीके से किलर मिसाइलों को तैयार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल करके वह अपने से कमजोर देशों को डराना चाहता है। चीन के द्वारा यह भी कहा गया कि भारत इन मिसाइलों के निर्माण को गुप्त रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बैन होने से बच रहा है। भारत अपने अधिकारों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, भारत अपने हथियारों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में इनके इस्तेमाल से पीछे भी नहीं हटेगा। इसके अलावा अमेरिका की कई डिफेंस वेबसाइट के द्वारा भारत की सूर्या मिसाइल को लेकर खुलासा किया जाता रहा है, लेकिन भारत हर बार इन दावों को नकारता रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत के द्वारा अपने इन दोनों हथियारों को लेकर आधिकारिक बयान दिया जाना चाहिए या फिर इन हथियारों को गुप्त ही रखा जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा देश भारत आदिकाल से ही विज्ञान की जन्मदात्री रही है। भारत भूमि पर विज्ञान ने अक्सर ही अपनी चरम प्रतिष्ठा प्राप्त की है। वाराहमिहिर से आर्यभट्ट और एपीजे अब्दुल कलाम तक भारत ने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक दिए हैं जो भारत को हमेशा महानता की ओर लेकर जाते रहे हैं। वर्तमान भारत के वैज्ञानिक भी ऐसा ऐसा रिसर्च कर रहे हैं जो अन्य देशों के वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे हैं और उन्हें भारत का लोहा मानने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, जाते जाते अंत में हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद जय भारत।